अमरोहा शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने अजय कुमार लल्लू जी की रिहाई को लेकर राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखकर जिलाधिकारी अमरोहा को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला शहर कांग्रेस कमेटी अमरोहा ने जिला अध्यक्ष ओंकार सिंह कटारिया के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की दमनगरी नीतियों के विरुद्ध एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी की रिहाई की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित एक ज्ञापन जनपद के जिलाधिकारी महोदय को सौंपा और बाद में पार्टी कार्यालय हाशमी नगर में जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया, परवेज आरिफ, टीटू ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने कहा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय कुमार लल्लू जी की जमानत याचिका सेक्शन कोर्ट से खारिज कर दी गई है। हमें न्यायपालिका में पूरा विश्वास है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी को इंसाफ मिलेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय श्री अजय कुमार लल्लू जी की गैरकानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ महाअभियान चलाएगी। हम एक एक गांव और एक एक गरीब मजदूर की झोपड़ी तक अपनी बात लेकर जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय कुमार लल्लू जी की जमानत याचिका लखनऊ सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा एवं विश्वास है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को इंसाफ मिलेगा और न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी को की गैरकानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक बड़ा महाअभियान चलाएगी। हम एक एक गांव, एक एक घर, एक एक झोपड़ी तक अपनी बात लेकर जाएंगे और लोगों की सेवा और तीव्रता के साथ करेंगे। लाखों जरूरतमंदों तक भोजन और राशन पहुँचाने वाले हमारे मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने वाले गरीब मजदूरों की मदद श्री अजय कुमार लल्लू जी का आखिर अपराध क्या था, गुनाह क्या था? यदि उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की, मजदूरों को राहत मिले इसलिए बसों की व्यवस्था की थी, सिर्फ उनका ये गुनाह था? क्या हिंदुस्तान में इसी किसी को खाना खिलाना, पानी पिलाना, किसी की सहायता करना क्या अब कानूनी अपराध हो गया है? गरीब मजदूर विरोधी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं चाहती कि श्रमिक बहन भाई सकुशल अपने घर पहुँचे, उनको राहत मिले, लेकिन श्री योगी आदित्यनाथ जी कान खोल कर सुन ले लीजिए कि हमारी मदद का हाथ कमज़ोर नहीं है, हम और ज़्यादा मजबूती के साथ लोगों की मदद करेंगे। हम सेवा का कार्य और तेज कर रहे हैं और देश के निर्माता, कामगार, मजदूर, श्रमिकों को की सेवा हम लगातार करते रहेंगे। भाजपा सरकार दमन करे और हम सेवा करेंगे। आज पूरे देश में 90 लाख से अधिक लोगों तक कांग्रेस पार्टी ने राशन और भोजन पहुंचाया है। 10 लाख प्रवासी श्रमिकों को मदद की है। 22 जिलों में साझा रसोई चलाकर जरूरतमंदों को भोजन वितरण कराया है। 40 हाईवे पर स्टॉल लगाकर प्रवासी मजदूर बहन भाइयों को भोजन उपलब्ध कराने का काम कांग्रेस के सिपाहियों ने किया है, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हुआ है। आज हम ये कांग्रेस जन, जनपद अमरोहा के समस्त कांग्रेस जन मेरे साथ में हाजी खुर्शीद अनवर साहब, AICC के मेंबर चौधरी सुखराज सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष, मेरे शहर अध्यक्ष परवेज आरिफ टीटू, शनीम खान एडवोकेट, फैज आलम रानी PCC मेंबर, डॉक्टर सराजुद्दीन हाशमी PCC मेंबर, फरमान हैदर सवासत साहब और मेरे साथी, हम लोग ये संकल्प लेते हैं, ले रहे हैं कि भाजपा सरकार के दमन के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे और सेवा का कार्य और तेज करेंगे, जी जान से करेंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मजदूर, गरीबों और जरूरतमंदों के साथ ही हमारे अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, सच की जीत होगी और अहंकार का नाश होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। आज की इस प्रेस वार्ता में मुझे शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से इतना ही कहना है। अभी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि किस सूरत से हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो अन्याय की भावना रखते हुए और उनका शोषण किया गया, उनकी गलती क्या थी, सिर्फ इतनी ही कि उन्होंने रोड पे चलते हुए प्रवासी मजदूरों के पैरों के छाले देखे, उन्होंने वो मंजर देखे कि जब एक गर्भवती महिला जो है रोड पर ही अपने बच्चों को जन्म देती है और 2 घंटे बाद जो है उस रोड पे चलती, उनकी आत्मा जो है रोई और हर कांग्रेस के सिपाही की आत्मा क्या, इस देश के हर नागरिक की आत्मा रोई क्या। उत्तर प्रदेश सरकार को ये नहीं दिखता, क्या भारत सरकार को ये नहीं दिखता, सिर्फ उन्हें यही दिखता है कि ये 1000 बसें और जो हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर कांग्रेस ने 1000 बसों का जो है वो इंतज़ाम किया
तो उन्हें सिर्फ इसी बात से आपत्ति कि कांग्रेस ने दी, हमारी तो नेता ने इतना तक कहा कि आप इस पर अपने बैनर लगा लीजिए, कम से कम ये प्रवासी मजदूर घर तक पहुंच जाए। आज ये राजनीति का वक्त नहीं था, राजनीति का वक्त चलेगा, आगे आएगा, सब कुछ सामने रहेगा। ये सिर्फ प्रवासी मजदूरों की मदद के, उन गरीब असहाय लोगों की मदद का वक्त था, उन भारत के निर्माता मजदूरों की मदद का टाइम था कि जो भूखे प्यासे कई सौ कई हज़ार किलोमीटर जो पैदल चलकर आए, उनकी व्यथा समझने की ज़रूरत थी। बहुत से लोग ऐसा होता है अपनी व्यथा बताने में सक्षम नहीं होते, लेकिन ये आपका और मेरा आत्मबल था कि आप इसे सोचते। कांग्रेस ने ऐसा सोचा और उसने इंतज़ाम किया, उन्होंने कहा आप अपने बैनर लगा लीजिए और इन्हें घर तक पहुँचा दीजिए, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्या लल्लू जी का यही था कि वो अगुवाई कर रहे थे उन मजदूरों की, यही हुआ था? आपने प्रदेश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए माननीय अजय कुमार लल्लू जी को और हमारे प्रभारी माननीय पंकज मलिक जी को और उनके साथ लगभग 90 वरिष्ठ कांग्रेसियों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे कायम, तो हम उनकी घोर निंदा करते हैं। इसके लिए हम जो है पार्टी से वचनबद्ध हैं कि जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने अभी कहा, जिलाध्यक्ष जी ने, कि हम हर गांव, हर मोहल्ला, हर शहर, हर झोपड़ी तक जाएंगे और मजदूर को ये बताएंगे कि आपके लिए इनकी सोच क्या है, इस सरकार की क्या नीति है। शुक्रिया।